किसी भी अपराधी को उसके अपराध के लिए सजा जरूर मिलती है, चाहे वो अपराध छोटा हो या बड़ा। लेकिन जरा सोचिए कि अपराधी को उसके अपराध के लिए अजीबोगरीब सजा मिलने लगे तो। आज हम आपको कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब सजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नंबर एक, अमेरिका के मिसौरी में रहने वाले डेविड बेरी नामक शख्स ने सैकड़ों हिरणों का शिकार किया था। साल 2018 में इस जुर्म का दोषी पाते हुए अदालत ने उसे एक साल तक जेल में रहकर महीनों में कम से कम एक बार डिज्नी का बॉम्बी कार्टून देखने की सजा सुनाई थी। नंबर दो, साल 2003 में अमेरिका के शिकागो में रहने वाले दो लड़कों ने क्रिसमस की शाम चर्च से ईसा मसीह की मूर्ति चुरा ली थी और उसे नुकसान पहुंचाया था। इस जुर्म का दोषी पाते हुए दोनों को 45 दिन के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा उन्हें अपने गृह नगर में एक गधे के साथ मार्च करने का भी आदेश दिया गया था। नंबर तीन, अमेरिका के ओक्लाहोमा में रहने वाले 17 वर्षीय टाइलर एलरेड द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से दुर्घटना में उसके एक दोस्त की मौत हो गई थी। यह घटना साल 2011 की है। चूंकि टाइलर उस समय हाई स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए अदालत ने उन्हें हाई स्कूल और ग्रेजुएशन खत्म करने के अलावा साल भर के लिए ड्रग्स, शराब और निकोटीन टेस्ट करवाने के साथ ही 10 साल तक चर्च जाने की सजा सुनाई थी। नंबर चार, स्पेन के एंडालूसिया में रहने वाले एक 25 वर्षीय युवक के माता पिता ने उसे पॉकेट मनी देनी बंद कर दी थी, जिसके बाद वह इस मामले को अदालत में ले आया। हालांकि अदालत ने उल्टे उसी को ही सजा सुना दी कि अगले 30 दिन के अंदर उसे माता पिता का घर छोड़ना होगा और उसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। नंबर पाँच, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 के एंड्रयू वेक्टर पर अपनी कार में तेज संगीत सुनने पर 120 पाउंड यानी आज के हिसाब से करीब 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वो अपना पसंदीदार संगीत रैप सुन रहे थे। हालांकि बाद में जज ने कहा कि वह जुर्माने की रकम घटाकर 30 पाउंड कर देंगे और एक शर्त के साथ कि वेक्टर 20 घंटे तक बीथोवन, बाख और शोपेन का शास्त्रीय संगीत सुनेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।